यार इंस्टाग्राम स्टोरी आपको मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ भी डाल सकते हो। अगर आप कुछ भी डालते हो तो सामने वाला तो इरिटेट होगा ही होगा। कभी ना कभी इंस्टाग्राम को भी अगर लग गया तो आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस की आपको स्ट्राइक आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपको 6 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज में नहीं पोस्ट करनी है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आप भी खुद बोल दोगे कि हाँ यार ये चीज़ें मैंने किसी और के अकाउंट में देखी थी और मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी। तो अगर आप भी ये चीज़ करोगे तो सामने वाले को भी आप अच्छे नहीं लगोगे। तो आई होप आपको ये एंड तक देखने के बाद ये 6 चीज़ें समझ आ जाएगी। 6 चीज़ों को आप कहीं पे नोट कर लेना। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर एंड तक देखने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहली चीज़ ये है कि टू मच टेक्स्ट। आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर दिया स्टोरी में, मतलब एक साथ पैराग्राफ लिख दिया, साइड में भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया, नीचे 3 लोगों को टैग भी कर दिया, तो उसको कोई भी नहीं पढ़ेगा। आजकल लोग सिंगल वर्ड पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि सिंगल वर्ड बताया उसका जो मतलब हुआ वो समझ गए, और आपकी स्टोरी से वैसे भी किसी को मतलब नहीं है। ये चीज़ आप ठान लो कि आपके जो कुछ पर्सनल जो लोग आपके कुछ क्लोज लोग हैं उन्हीं लोगों को मतलब होता है, बाकी सब स्वाइप अप आगे करते हैं। तो अगर किसी ने स्टोरी स्वाइप अप आगे कर दिया तो आपका एंगेजमेंट लो हो जाएगा वहाँ पे। और अगर आपको एंगेजमेंट बढ़ाना है तो ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी डाल दी कैसे आप ऑर्गेनिकली अपना एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैंने उसमें जेन्युइन मेथड बताया वहाँ पे। तो अब क्या होगा, अगर कोई स्वाइप अप कर देगा आपकी स्टोरी को तो आपका एंगेजमेंट लो हो जाएगा। तो ये उसने क्यों किया, क्योंकि आपने टू मच टेक्स्ट ऐड कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा लिमिट पार कर दी। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लंबा पैराग्राफ लिखना है तो आप उसको छोटी छोटी 4 स्टोरीज में डिवाइड कर दो। एक में ये डाल दो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो बंदा पहला पढ़ेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरा पढ़ेगा, तीसरा, चौथा, तो वो पढ़ लेगा अगर सिंगल सिंगल छोटी छोटी चीज होगी तो। लेकिन कुछ बड़ा आपने पैराग्राफ लिख दिया तो सामने वाले को क्या ही मतलब, मेरे दोस्त आपसे उसको क्या ही मतलब आपकी स्टोरी पढ़ के। आपका एंगेजमेंट खराब करके जाएगा, आपकी स्टोरीज को डाउन कर देगा, व्यूज तो आना दूर, आपकी स्टोरीज की जो रीच है वो वहां पर रुक जाएगी और लोगों को इंस्टाग्राम स्टोरीज आपकी दिखाएगा ही नहीं। तो ये वाली गलती भूल कर भी मत करना। दूसरी गलती है कि आप अपनी स्टोरीज को केवल अपनी फोटो, अपनी रील, अपनी वीडियो के लिए यूज करो। मतलब आपने जो फोटो डाली, हाँ अच्छी बात, आपने फोटो डाली, न्यू पोस्ट करके आपको डालना चाहिए गाने के साथ। रील आपने डाली वो डालनी चाहिए, IGTV स्टोरीज वीडियो जो भी आपने डाली आपने डालनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपनी अपनी डालना वो चीज़ गलत है। आपको कुछ अच्छे कोट्स भी दिखाने चाहिए, पॉजिटिव कोट्स, आप कहीं घूमने गए हो तो आपको वो सब भी शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इंटरेक्ट आपको करना चाहिए लोगों के साथ में, अपनी कुछ आपकी कुछ फैमिली वाले मेंबर है उनके साथ भी फोटो डालिए, दोस्तों के साथ डालिए, उनको टैग कीजिए, मतलब एक्सप्लोर करते रहिए आप। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी फोटो और वीडियो डालोगे तो लोग उसे एंगेज नहीं कर पाएंगे कि ये सिर्फ अपना ही अपना दिखाता है। अब अपना दिखाता मतलब ये नहीं सिर्फ अपनी अपनी फोटो आप दिखाते हो, मतलब आपको अदर फोटोज हो गई, वीडियोज हो गए, कहाँ घूमने जा रहे हो, कुछ एंटरटेनिंग हो गया, कभी कॉमेडी हो गया, मूवी देखने गए, तो वहाँ की ये सब स्टोरीज भी आपको डालनी चाहिए। वैसे लोग डालते हैं ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आजकल सब कुछ अपना शो ऑफ करते हैं, ये सब दिखाते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, वो सब करते हैं। हमारे मन में हमको पता है हम क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे वहाँ पे। लेकिन आपको ये चीज़ करनी है कि आपको ये सब चीज़ें दिखानी है, ये सब चीज़ें आजकल ट्रेंड का जमाना है तो आपको ये सब चीज़ फॉलो करनी है। नहीं फॉलो करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, रेस में पीछे रह जाओगे। लेकिन सिर्फ अपनी अपनी फोटो और रील को डालना, बार बार वही सब चीज़ दिखाना, तो ये गलत हो जाता है। तीसरा है कि इंस्टाग्राम स्टिकर को यूज़ नहीं करना। अगर आपको इंस्टाग्राम स्टिकर यूज़ करना नहीं आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन कैसे करूँ, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन बताएं कि आप कौन से 15 क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ के लिए, अपनी वीडियोज़ मतलब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए। तो वहाँ मैंने क्लियर कर दिया कि 15 क्वेश्चन, तो आप अगर एक दिन में एक क्वेश्चन डालोगे फिर 2 दिन बाद अगला, तो 1-1.5 महीने का काम मैंने आपका वहाँ पर कर दिया एक छोटी सी वीडियो में। तो आपको लेकिन पोल्स जरूर डालने हैं, सही टाइम पर डालने हैं। तो आपको पोल्स कभी भी नहीं छोड़ने और सही जगह पर और सही टाइम पर डालने। ऐसा नहीं कि पोल को एकदम नीचे डाल दिया जहाँ पे सेंड मैसेज लिखते हैं तो वहाँ पे कोई बंदा क्लिक नहीं कर पाएगा, या एकदम ऊपर डाल दिया, इधर उधर डाल दिया, लोगों को दिख ही नहीं रहा, या एकदम छोटा कर दिया या बहुत बड़ा कर दिया। मिनिमल रखना है, डिसेंट रखना है, सेंटर में रखना है, चारों साइड से बराबर एंगल। आजकल तो इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, आप जिधर स्टिकर को कसकाते हो तो वो लाइन बना देता है वहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आपको बता के बता देता है कि कौन सी आपको कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। तो सबसे ज़्यादा नीचे मत डालना, ऊपर साइड में मत डालना, अच्छी जगह रखना और पोल्स का यूज़ ज़रूर करना। अगली है कि अपनी फोटो और अपनी वीडियो को रीशेयरिंग करना अगेन एंड अगेन। आज फोटो डाली उसको शेयर कर दिया न्यू पोस्ट, ठीक है, कल नहीं परसों वापस वही फोटो डाली और गाना डाल दिया, फिर वही फोटो डाली गाना डाल दिया, ये चीज़ गलत है। सामने वाला इरिटेट हो जाएगा कि ये पागल हो गया कि बार बार एक ही फोटो को डाल रहा है गाना डाल रहा है। अलग अलग फोटो डाल रहे हो, रील डाल रहे हो, चलता है, लेकिन एक ही एक को रिपीट कर रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है। और अगर कोई वीडियो डाल रहे हो, फोटो डाल रहे हो, तो कैप्शन वगैरह भी आप, जैसे आप कैप्शन लिखते हो, कैप्शन लिखना जरूरी है, आप कैप्शन लिखते हो जरूरी मतलब एंगेजमेंट वगैरह बढ़ानी है, उसने दिया है कोई ऑप्शन तो आपको यूज़ करना चाहिए। तो स्टोरीज में भी आपको क्या करना है, कैप्शन डालना है ताकि लोगों को रहे कि फोटो के साथ उसको पढ़े तो वहाँ पे वो होल्ड करे, और जितनी देर होल्ड करेगा आपका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है कि ओकेजनली या कोई फंक्शन वगैरह होता है तो नॉर्मल सी बात है सब स्टोरीज डालते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, संक्रांति हो, जो भी हो उस पर डालते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, दूसरी दूसरी, जैसे आप कहीं घूमने गए तो ताजमहल घूमने गए तो आपने ताजमहल की डाल दी, रोड की डाल दी, फोटो वीडियो सब आपने डाल दी,
सॉरी, लेकिन आपने अपने आप को वहाँ पे शो नहीं किया, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं की। कहीं भी जाते हो तो अगर 10 फोटो आपने कहीं घूमने की डाली है तो उसमें 2 से 3 आपकी फोटो होनी चाहिए, आपका फेस होना चाहिए वहाँ पे, ताकि लोग याद रखें। क्योंकि स्टोरीज लोग देखते हैं तो दिमाग में छप जाती है साइकोलॉजिकली, तो वहाँ पे आपकी फोटो नहीं है तो बंदा वो स्टोरीज आगे बढ़ाएगा और चल जाएगा, जैसे गूगल में फोटो देख ली वैसे वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप उस बीच में अगर आप अपनी कोई वीडियो बना के डाल दो, आपकी अपनी फोटो डाल दो, दोस्तों के साथ डाल दो, आप कुछ इन्जॉयमेंट करें उसकी वीडियो डाल दो, तो लोगों के पास एक पर्सनल ब्रांडिंग बन जाती है, आपकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, ओकेजनली जो भी फंक्शन वगैरह आते हैं तो आप ड्रेसअप वगैरह अच्छा करते हो, तैयार होते हो, तो उसमें आप अपनी फोटो भी टाइम टू टाइम डालते रहा करो, मतलब अपना फेस इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखाते रहा करो। अगली जो चीज़ है वो ये है कि लोग अपनी बर्थडे पे या जब भी उनको कोई मेंशन करता है तो वो रीमेंशनिंग कर देते हैं। मेरे दोस्त बर्थडे पे आपको 50-100 लोग इंस्टाग्राम पे कहता है, रियल लाइफ में आपको 2 लोग फोन करेंगे, 2 लोग घर पे आएंगे विश करने के लिए, लेकिन इंस्टाग्राम पे 50-100-200 जितने फॉलोवर है उतने आपकी स्टोरी डाल देंगे हैप्पी बर्थडे की, उसी दिन पूरा प्यार आ जाएगा। लेकिन आप उसको रीमेंशनिंग करके बच्चे वाली हरकत मत करो। जैसे मेरा बर्थडे आया, मुझे 50 लोगों ने विश किया, 50 लोगों ने स्टोरी डाली, मैं 50 को अपनी स्टोरी में डालूंगा ना, तो आप अगर मेरी स्टोरी देखते हो तो आप बोलोगे क्या पागल आदमी है, क्या विश किया तो भाई तेरे को किया तो हमको क्यों इरिटेट करे। अब हम एक स्टोरी मेंशन किया जैसे 12 बजे तो मैं डालूंगा तो आपके पास आ जाएगा, वो मेरी आगे आ जाएगी सबसे, फिर 2 घंटे बाद किसी ने मेंशन किया मैं फिर डाल दूंगा, तो आप भी इरिटेट हो जाओगे कि ये क्या हरकत कर रहा है, तो आप सारी स्टोरीज को छोड़ोगे और आगे चल जाओगे, तो आपने देखी नहीं स्टोरी और स्वाइप कर दी तो मेरे सब वहीं पर कबाड़ा हो गया मेरे अकाउंट का। तो अकाउंट का कबाड़ा ना करो। आपके बर्थडे में अगर 50-100 लोगों ने विश किया है तो आप एक लास्ट में एक मैसेज डाल लो कि थैंक यू एवरीवन मुझे विश करने के लिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये वाली गलती मत करो कि सबको मेंशन पे मेंशन किया जा रहे हो। हाँ, जैसे कोई फंक्शन है वगैरह है, कोई 1-2 लोगों ने मेंशन किया तो वो रीमेंशनिंग करना चाहिए, अच्छा लगता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना, रीमेंशनिंग करना चाहिए आपको। लेकिन ये बर्थडे वाली और जो होती है ना ओकेजनली 50-50-100-100 लोगों ने एक साथ मेंशन किया है तो कांग्रेचुलेशन हो गया, या फिर कहीं पे आपने कोई अवार्ड जीता है कोई फंक्शन में, आप कुछ भी आपने अचीव किया या बर्थडे, तो वो वाली आपको रीमेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, 50 जगह आपको शो नहीं करनी है, 1-2 का मेंशन कर दो खत्म। अगला है कि अपनी स्टोरी पे गाली गलौज या 18+ चीज़ों को शेयर करना। दोस्त, मैं मानता हूँ कि आपके परिवार वाले शायद नहीं होंगे इंस्टाग्राम पे या आपने ब्लॉक करके रखा होगा, लेकिन अगर आपका पब्लिक अकाउंट है या प्राइवेट भी है तो अगर कोई आपको घर वाला अदर आईडी से फॉलो कर रहा है या कोई घर वाले रिश्तेदार कोई कर रहे हैं और आप ये सब चीज़ शेयर कर रहे हो, मतलब सेक्सुअलिटी हो गया, 18+ कंटेंट हो गया, न्यूडिटी हो गया या गाली गलौज वाली या जो भी सब उल्टी सीधी हरकत होती है वो सब अगर आप स्टोरीज में दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज वहाँ पे शो कर रहे हो। अगर आप ऐसे हो भी ना तो भी मत दिखाओ सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों के पास आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाती है, तो लोगों के दिमाग में यही होगा कि ये क्या ये सब डाल। हाँ, जो आपके ग्रुप वाले हम ग्रुप वाले जैसे मैं हूँ, आप डालोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हम तो चलता है भाई, दोस्त है, मैं भी ये सब देखता हूँ, तू भी ये सब चीज़ चलती है। लेकिन अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई एल्डर आपसे बड़ा कोई बंदा देख रहा है तो आपकी इमेज वहाँ पे ख़राब हो सकती है, तो ये वाली चीज़ बिल्कुल भी मत करना। चैनल पे और भी इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको थंबनेल यहाँ पे दिख जाएंगे, चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो, और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी, वहाँ पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पर वैली बाय तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। With the